जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 राजेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 राजेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सिस्टम के अनुयायी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सिस्टम के अनुयायी मुर्दाबाद 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 महामदा इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रचार सुनील कुमार सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद अन कर्मचारी मुर्दाबाद भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले जिंदाबाद भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले लोग जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो आवाज दो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 राजेंद्र सिंह मुर्दाबाद 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 नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज और अपना सोच बिहार। जैसे कि आज हम बता दें आपको कि महादेवा ओपी थाना के समक्ष अभी हम उपस्थित हैं और आपको बता दें कि महामदा इंटर कॉलेज महामदा की में गमन होने के कारण यहाँ पर जितने हैं लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस के सामने। तो यहाँ पर राजू जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजू जी, यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, क्यों किए? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश और निर्देश, न्यायालय के पारित आदेश और उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार निदेशक महोदय के निर्देश CWJC 2/12/2024 दिनांक 29/3/2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह को पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अंदर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके महामदा इंटर कॉलेज महामदा के प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार सिंह पर तथा उनके अन्य कर्मचारियों पर और उस कॉपी को शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय को उपलब्ध कराना था। लेकिन किस परिस्थिति में 4 महीना आज बीत गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उस आवेदन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये तो जातिवाद करते हैं, दूसरे मतलब हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं। कितने का गमन किए हैं आपको? अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो पूर्व में थे मिथिलेश कुमार सिंह, उनके चिट्ठी के हिसाब से 6 लाख रुपया का गमन हुआ है। 6 लाख का गमन हुआ। लेकिन 2020 के बाद यदि 2024 तक बात किया जाए तो 20 लाख से ज़्यादा रुपया गमन हुआ। 20 लाख से ज़्यादा गमन किए हैं। जब छात्र एडमिशन ले रहे हैं तो उस पैसा को बैंक में जमा करना था और प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार सिंह बैंक में जमा नहीं करके और पैसा अपने घर लेके चले गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी बताएंगे कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं। यदि नहीं है तो दोषी हम हैं, और यदि हैं तो दोषियों पर कार्रवाई किस परिस्थिति में नहीं की गई? कल वो जैसे 31 तारीख है और वो कल रिटायर क्या कहते रिटायर कर रहे हैं कल रिटायर कर रहे हैं और आज आप उनके मतलब ऑफिस के सामने। देखिए, ये बड़ी सवाल नहीं है, ये तो संवैधानिक पद है, नौकरी में आए हैं तो एक ना एक दिन रिटायर होना है। लेकिन सवाल है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? वो जब यहाँ DPO थे स्थापना में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किए, उच्च माध्यमिक में आए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किए, DO जब से बने हैं तब से मैं आपको मालूम है कि कितना रुपया गमन हुआ है समरसेबल में, मरम्मती में, व्हील चेयर में, तो इतने दिन आप बेंच डेस्क में थे। इतने दिन आप लोग सर मैं सोया नहीं हूँ। आज जब मामला लोक निवारण में चल रहा है, मामला DM साहब के पास चल रहा है, कई विधान परिषद क्वेश्चन भी किए हैं विधानसभा में, कार्रवाई और जांच तो इन पे चल ही रही है और मैंने
दिनांक 20/8/2024 को एक ज्ञापन के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को आग्रह किया था कि महामदा इंटर कॉलेज महामदा के प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार सिंह पर निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए और कार्रवाई करते हुए उनको पद से पदमुक्त कीजिए। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी पैसा लिए हैं, पैसा लिए हैं इसलिए आपको धरना करना पड़ा। इस स्थिति में वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब कोई अफसर, जब कोई पदाधिकारी किसी का बात नहीं सुनेगा तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्रता है। जब कोई आम आवाम और जनता जनार्दन की बात को नहीं सुनेगा तो स्वाभाविक है कि हम अपनी आवाज़ जनता की अदालत में उठाएंगे। आज जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने 28 तारीख को SDO साहब को दिया था आवेदन और उनके कार्यालय से मुझे बताया गया था कि आपके व्हाट्सएप पर पत्र को भेज दिया जाएगा, अनुमति पत्र भेज दिया जाएगा। आखिर किस परिस्थिति में मुझे अनुमति नहीं दी गई? ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ और आम जनमानस से पूछता हूँ, ये सवाल कैसे खड़ा हो रहा है? एक आम आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए अफसरशाही बिहार में चरम सीमा पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुदान में लाखों लाख रुपया घोटाला किया जाता है। सरकार इंटर कॉलेज को 50 लाख 60 लाख रुपया देती है। आखिर किसके आदेश से यह पैसा कॉलेज में जाता है? किसके अनुमति से इस पैसा को उठा लिया जाता है? कौन यह आदेश देता है? ये तो संयोजक थे महाविद्यालय के, और जब ये संयोजक थे और जहां फर्जी बहाली हुई है, फर्जी बहाली के भी ये पैसा दे दिए हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि जनता की बात कोई नहीं सुनता है तो न्यायालय है, लेकिन जनता की जो अदालत है उस अदालत सर्वोपरि है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। ये जवाब यदि देना चाहते हैं तो अभी तक गायब क्यों हैं? मैं तो यहाँ 10 बजे से उनके लिए बैठा हूँ। अनुमति नहीं है तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। गलती मेरी नहीं है, मैंने दिनांक 28 तारीख को SDO साहब के कार्यालय में दिया था, मैंने फिर थाना में भी दिया था। थाना द्वारा बताया गया था कि हम अनुमति प्रमाण पत्र देंगे तब जब SDO साहब देंगे। सवाल सिर्फ यही नहीं है, मैं नहीं बजा रहा हूँ, एकदम शांतिपूर्ण से हमारे सभी लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं। सवाल यहाँ यह है कि आखिर किस परिस्थिति में भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है? यदि बचाया जा रहा है तो दोषी जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह भी है। कितने देर से आप यहाँ धरना दे रहे हैं? मैं यहाँ 10 बजे से आया हूँ, लेकिन 11 बजे से हम लोग लिख के दिए हैं और 3 बजे तक हम लोग रहेंगे। भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, यदि बचाया जा रहा है तो दोषी जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह भी है। कितने देर से आप यहाँ धरना दे रहे हैं? मैं यहाँ 10 बजे से आया हूँ, लेकिन 11 बजे से हम लोग लिख के दिए हैं और 3 बजे तक हम लोग रहेंगे। तो अब तक वो आकर कुछ आश्वासन या आपसे? बिल्कुल आश्वासन कैसे देंगे? चोर चोर कोतवाल को डांटे। एक भ्रष्टाचारी एक भ्रष्ट आदमी को तरजीह देगा कि हमको मदद करेगा? आम जनमानस ये जनता की अदालत में सब लोग बैठे हैं, ये बड़ा कि भ्रष्ट बड़ा? कौन बड़ा? ये बड़ा, जनता की अदालत बड़ा है। जनता की अदालत बड़ा। यदि उनमें मानवता है, यदि उनके अंदर अपनी पद की गरिमा का ख्याल है तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आए और हमसे सवाल जवाब कर लें कि किस परिस्थिति में प्राचार्य को बचाया जा रहा है, किस परिस्थिति में 2020, 2021, 2023 और 2024 तक एडमिशन का पैसा खाता में जमा नहीं हुआ। मेरे पास टोटल साक्ष्य है, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। किस स्थिति में? ऐसा नहीं ना है कि कल, जैसे कि कल रिटायर हो रहे हैं तो इसलिए वो नहीं आया? नहीं, मेरी शुभकामना है, वो उनसे हमारी व्यक्तिगत किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो हमको संवैधानिक पद से लड़ाई है। उनसे तो हमारी अच्छी दोस्ती है, हमारी अच्छी बातचीत होती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि एक दोस्त को धरना करने पर मजबूर कर देता है और भ्रष्ट व्यक्तियों को कुर्सी देने के लिए आगे रहता है। आज यही कारण है कि देश में लोकतंत्र की
खूबसूरती को ऐसे अफसरों के द्वारा नीच देखा जा रहा है। आज ऐसे ही अफसर हैं जो बिहार सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि सरकार तो चिल्ला रही है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी ही जब ठीक नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा। जब भ्रष्ट सिस्टम नीचे से ऊपर तक लगातार कायम रहे तो ऐसी परिस्थिति में आम आवाम संकट में नहीं रहेगा तो किस स्थिति में रहेगा। अच्छे लोग बाहर घूम रहे हैं और भ्रष्ट लोग महाविद्यालय में हैं। जिनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, जिनका बीए का सर्टिफिकेट फर्जी है, जिनका एमए का सर्टिफिकेट फर्जी है, जिनके बहाली में भी अनुमति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नहीं लिया गया है, अखबार में भी नहीं दिया गया है, तो किस परिस्थिति में वो महामदा इंटर कॉलेज महामदा के प्रचार्ज हो गए सुनील कुमार सिंह। जवाब है और ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिए तो क्या दिए। ये भी सुना ये गया तो है सर कि... बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक को भी धोखा दे दिए हैं, निदेशक को गुमराह कर दिए हैं। तो कैसे, यहाँ जो जांच कमेटी ने इनको रिपोर्ट सौंपा था महाविद्यालय पर 6 व्यक्तियों पर जो कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी जारी की गई थी, वहाँ इनके द्वारा भेजा नहीं गया है। डायरेक्टर को भी गुमराह किया गया है। इन पर इन्होंने क्षेत्रीय आरडीडी को भी इन्होंने गुमराह कर दिया है, इन्होंने आरडीडी को भी गुमराह किया है। इन्होंने ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो लेटर है मिथिलेश कुमार सिंह थे, 6 लाख रुपया गमन किया गया इनके द्वारा और इनको बचाया जा रहा है। इस पत्र को उन्होंने निदेशक को नहीं दिया। अच्छा, ऐसा सुना गया है कि आपके जो नाना थे उसमें ये अनुदानिक भी कुछ किया। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। हाई कोर्ट का ये जजमेंट है? हाँ। इसमें क्या जजमेंट में क्या है? जजमेंट में है कि 10 दिन के अंदर प्राथमिकी आपराधिक मुकदमा दर्ज करके थाना में डायरेक्टर को बताना था, तो बताया नहीं गया। बिल्कुल नहीं बताया गया। इसके बाद ये निदेशक की चिट्ठी है, इसमें क्या है? इसमें भी 10 दिन का अंदर कार्यवाही करने की बात कही गई है, इसको भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद मैंने दिया था इन पर जांच करने के लिए बेंच डेस्क मरम्मती का, जो मामला अभी न्यायालय में लोक निवारण में चल रहा है, उसमें भी गुमराह करने का चिट्ठी हमको 9 पन्ने में दे दिए हैं, जिसमें कई क्लर्क को भी इन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया है और डीएम साहब भी चिट्ठी उन पर कार्रवाई के लिए निकाल रहे हैं। जाँच चल रहा है पूरे जिले भर में चल रहा है। जो व्हील चेयर का दाम 1500 रुपया है, उसका दाम 5000 इलो रसीद बनाए हैं। जिस समर सेबल को 300 फीट हलाना है, उस समर सेबल को कहीं 30 फीट या 40 फीट हलाया गया है। जिस स्कूल में छात्र पढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, जिस शिक्षक ने हिंदुस्तान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना स्कूल में बहाते हैं, उस स्कूल को अच्छे ढंग से भी मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। जिस छात्र ने स्कूल में पढ़कर देश और दुनिया को संदेश देंगे, उनके लिए बेंच घटिया किस्म के लगाया जा रहा है। बताइए, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ऐसे पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल में बंद करना चाहिए। ऐसे अफसर जब तक रहेंगे तब तक विकास नहीं होगा देश का। ये आरडीडी का चिट्ठी है, इन्होंने उनको भी गुमराह किया है। तो किस तरह पैसा देना था? कितना? नियोजित शिक्षक को कितना देना था पैसा? पैसा आप कितना देना था, ये विभाग की बात है ना। लेकिन उन्हें भी गुमराह किया गया, इन पर प्रपत्र का गठन भी हो गया है। ये भाग के जाएंगे कहाँ? रिटायर हो जाएंगे तो थोड़े हो जाएगा कि बच जाएंगे, ये बचने वाले नहीं हैं। ये अनियमितता की जो है स्पष्ट इन पर चिट्ठी निकली हुई है। मैं तो चिट्ठी से बात कर रहा हूँ सर, मैं एक एक चिट्ठी देकर बात कर रहा हूँ। मैंने पूरा इनके जीवन काल का यहाँ जो 3 साल समय दिए हैं, सारा सिस्टम मैं निकाल के बोल रहा हूँ। यदि उनमें ताकत है और अपनी पद की गरिमा की बात है तो वो आकर जवाब दें, वो जवाब दें। ये चिट्ठी गलत है तो आखिर ऐसे अफसरों को क्यों यहाँ रखे? ये अफसर कहाँ के हैं? हमारे घर से आते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान ज्ञापन 812 दिनांक 3/5/2023 के द्वारा इंटर कॉलेज महामदा में वित्तीय कमेटी की जांच हुआ था, जिसमें 3 अफसरों को नियुक्त किया गया था। श्री रंजीत कुमार सिंह लेखा पदाधिकारी समग्र शिक्षा सिवान, श्री दिलीप कुमार लेखा सहायक समग्र शिक्षा सिवान, श्री संदीप कुमार लेखा सहायक
प्रखंड संसाधन भगवानपुरहाट, ये जो पत्र दिए हैं इसमें 6 लाख रुपया का गमन किया गया और 6 लाख रुपया गमन करके जो है प्रभारी प्रचार सुनील कुमार सिंह लाखों लाख की गमन करने के लिए महामदा इंटर कॉलेज महामदा में बैठा है, जबकि वो अपराधी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है। मैंने थाना में भी सूचना किया था, उन पर FIR भी दर्ज